Hey, what is up guys, कैसे हो आप सब? आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में फ्री फायर बैटल ग्राउंड के। और गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में। सो गाइज जैसे कि आप जानते हो, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो तीन हमारे स्किल स्लॉट हैं उनका हम किस तरीके से बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहले तीन ही स्लॉट हुआ करते थे, बट अभी अपडेट के बाद से काफ़ी टाइम हो गया, खैर चार स्किल्स हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि आप जानते हो, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था सारे स्किल्स ही सही होते हैं, बस सही ढंग से उन्हें यूज़ करने पे ही सारा जो है मतलब गेम डिपेंड करता है। क्योंकि आप जिस तरीके का गेम प्ले रखते हो अपना, आप जिस तरीके से गेम को खेलते हो उसी तरीके से आपको वही वाले स्किल्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर आप कैंप करके खेलना पसंद करते हो तो आपको फिर वही वाले जो कैरेक्टर्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए, या फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा रश करके खेलते हो, आप सिर्फ किल्स के लिए जाते हो, तो आपको उसी तरीके के कैरेक्टर्स का यूज़ करना चाहिए जो आपको उसमें मदद करें, या फिर अगर आप फैक्ट्री पे कूदते हो तो भाई कौन से स्किल्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। सो इस तरीके से आज मैं आपको इस वीडियो में ये सब बताने वाला हूँ। सो पहले क्या था गाइस, तीन ही हम स्किल्स एक साथ यूज़ कर सकते थे, तो काफ़ी मतलब ज़्यादा हमारे पास चॉइसेस नहीं थी। बट अभी क्या हो गया है गाइस, हम चार स्किल एक साथ यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत 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 सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन के आते हैं। सो अगर वो सारे कॉम्बिनेशन मैं आपको आज ही इस वीडियो में बताऊँ ना तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो आज हम कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ जो होंगे वो इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, सो कुछ कॉम्बिनेशन मैं उस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस यार बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइज मेरा नाम है दैट रेडर, आप देख रहे हैं दैट रेडर गेमिंग। आइए करते हैं गेमिंग। सो गाइज अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि उसमें मैंने आपको चार स्ट्रेटजीज के बारे में बताया था, जैसे कॉर्नर प्लेयर, रशर प्लेयर, सोल्जर प्लेयर्स, इस तरीके से। सो एक दो स्ट्रेटजी और है, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ और उनके भी कॉम्बिनेशंस बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज फैक्ट्री प्लेयर्स के लिए, मतलब जो आप कस्टम रूम वगैरह खेलते हो फैक्ट्री कस्टम, सो उसमें क्या होता है सिर्फ फिस्ट फाइट होती है। सो ऐसे में जो कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना चाहिए उसके लिए गाइज सबसे पहले आता है, आप सबसे बेसिक चीज़ जो आपको फैक्ट्री पे फिस्ट फाइट करने के लिए चाहिए वो है गाइज क्ला। सो गाइज आपको पहला तो कैरेक्टर अपना क्ला यूज़ करना है, क्योंकि क्ला आप जानते हो भाई बॉक्सिंग में चैंपियन है, उसके घूंसे ख़त्म ही कर देते हैं इंसान को। अगर आप उसे मैक्स कर लेते हो बिल्कुल मैक्स लेवल का, सो उसके दो घूंसे में अगर बॉडी शॉट भी लगता है तो भी सामने वाला बंदा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद गाइज आप यूज़ करो कैली, क्योंकि गाइज कैली की आप जानते हो कैली की स्पीड बहुत तेज़ है भागने में। सो कैली से अगर आप स्प्रिंट करते हो तो आपको ज़्यादा स्पीड मिलती है। सो ऐसे में अगर आप बॉक्सिंग करते करते किसी का पीछा कर रहे हो फैक्ट्री पे तो आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी और आप उसको जल्दी से कैच करोगे, जल्दी से पकड़ पाओगे। इसके बाद तीसरा जो कैरेक्टर आपको यहाँ पर यूज़ करना है वो है गाइज मिगुल। सो जैसे आप किसी को किल करोगे तो फैक्ट्री पे मेडिकिट्स तो आपको मिलेंगे नहीं, सो ऐसे में आपको मिगुल की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जैसे आप किसी को किल करोगे तो अब आपको वहाँ पे ईपी मिल जाएगी। सो जब कभी आपकी हेल्थ कम होगी तो उस ईपी से आपकी जो एचपी है वो रिकवर होती रहेगी। और जो चौथा कैरेक्टर आपको यहाँ पर यूज़ करना है वो है गाइज वुकोंग, क्योंकि वुकोंग भी आप जानते हो बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है। अब ऐसा तो है नहीं गाइज कि हर बार आप मारते रहोगे, कभी कभार आपको भी शॉट्स पड़ेंगे जब आपकी हेल्थ कम हो जाए। सो गाइज जल्दी से वुकोंग का जादू चलाने का, बुश बन के वहाँ से कल्टी मारने का, ठीक है। और इतने में जो आपकी मिगुल वाली ईपी थी जो मिगुल से मिली थी वो धीरे धीरे आपकी हेल्थ बढ़ाएगी। सो वुकोंग आपको ऐसे में मदद करेगा वहाँ से एस्केप करने में अगर आपकी हेल्थ बहुत ही कम बची है। सो ये चार कैरेक्टर के स्किल्स आपको यूज़ करने हैं अगर आप फैक्ट्री पे फिस्ट फाइट खेलते हो, कस्टम रूम्स में फिस्ट फाइट खेलते हो। तो इसमें लेने को मैं गाइज आलोक का भी यूज़ कर सकता था। सो गाइज आप जानते हो यार आलोक ऐसा कैरेक्टर है वो किसी भी कॉम्बिनेशन में बेस्ट वर्क करेगा। सो मैं आज कम से कम होगा कि मैं आलोक का यूज़ बताऊँ, क्योंकि आलोक यार महंगा कैरेक्टर है, हर किसी के पास नहीं है। तो चलो बात करते हैं गाइज आज के सेकंड कॉम्बिनेशन के बारे में। सो गाइज आज का सेकंड कॉम्बिनेशन है अपनी सोल्जर स्ट्रेटजी से रिलेटेड, जो पहले की मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने आपको शायद एक दो बताई थी, बट आज जो है चार कॉम्बिनेशन के साथ काफ़ी सारी सोल्जर स्ट्रेटजीज बन के आती हैं। सो इस वीडियो में दो बताऊंगा, दो जो सोल्जर स्ट्रेटजी के कॉम्बिनेशन है वो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। सो पहला कॉम्बिनेशन जो सोल्जर स्ट्रेटजी के लिए बन के आता है वो है गाइज आलोक एज अ मेन कैरेक्टर, क्योंकि आप जानते हो आलोक की जो स्किल्स है वो आप किसी और के साथ यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको बाकियों के स्किल आलोक के साथ यूज़ करने पड़ेंगे। सो आपको आलोक एज अ मेन कैरेक्टर लेना है। फिर उसके बाद गाइज आपको यूज़ करना है पालोमा, क्योंकि पालोमा भी बहुत ही ऑसम कैरेक्टर है। अगर आपके पास पालोमा है तो आप लेवल 1 के बैग, इवन लेवल 2 के बैग में भी काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। उसके बाद गाइज आपको जोन टू जोन जाने के लिए या फिर फाइटिंग में आपको मूवमेंट स्पीड भी ज़्यादा चाहिए, सो उसके लिए गाइज आपको यूज़ करो कैली, वो भी बहुत ही ऑसम कैरेक्टर है। और जो लास्ट इस कॉम्बो में बचेगा वो है गाइज लॉरा कैरेक्टर, क्योंकि आप जानते हो लॉरा कैरेक्टर्स भी बहुत ही सही है। जब आप स्कोप ओपन करके मारते हो तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। इस कैरेक्टर को भी आप यूज़ करो, स्पेशली अगर आप AWM चलाते हो तो बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है। और अगर आपके पास इनकेस आलोक नहीं है तो आपको क्या यूज़ करना है, तो उसके लिए है गाइज सेकंड कॉम्बिनेशन, जिसमें सबसे पहले आपको लेना है गाइज हयातो कैरेक्टर।
आप चाहे तो हयातो एज अ मेन ले सकते हैं या फिर एंड्रयू एज अ मेन, यहाँ कुछ इससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ले सकते हैं। सो आपको पहले तो लेना है गाइज हयातो कैरेक्टर, उसके बाद उसको कंबाइन करना है गाइज एंड्रयू के साथ, क्योंकि एंड्रयू से आपकी वेस्ट की जो ड्यूरेशन है वो भी लंबे समय तक टिक पाएगी। फिर आपको यूज़ करना है सेम कैली फॉर द स्पीड, एंड इन लास्ट यू कैन यूज़ द मिगुल गाइज। और लास्ट जो चौथा कैरेक्टर कोम्बो में है वो आपको यूज़ करना है मिगुल। सो आप मिगुल जो है वो आलोक को थोड़ा सा रिप्लेसमेंट दे देगा, जैसे आप किसी को किल करोगे आपको थोड़ी थोड़ी ईपी मिलती रहेगी जो कि बाद में आपकी हेल्थ में कन्वर्ट होती रहेगी। सो ये दोनों कोम्बो गाइज आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। खैर आज बात करते हैं गाइज आज के थर्ड स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि निकल के आती है गाइज कार वाले बंदों के लिए जो गाड़ी वगैरह ज़्यादा चलाते हैं। सो उनके लिए ये कॉम्बो मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया। सो गाइज इस कॉम्बो में आपको क्या क्या यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि आप चाहे मेल कैरेक्टर लो फीमेल लो वो आपकी मर्जी है, मैं आपको बस स्किल्स बता रहा हूँ। सो सबसे ज़रूरी तो है गाइज यहाँ पे मिशा, मिशा का तो आपको यूज़ करना ही करना है अगर आप गाड़ी चलाते हो ज़्यादा, गाड़ी से ट्रैवल करते हो, क्योंकि गाइज मिशा बहुत ही ऑसम कैरेक्टर है। वो आपके जो व्हीकल है उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ करती है, साथ ही साथ होने वाला डैमेज भी आपको कम हो जाता है, तो बहुत ही ऑसम कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर यहाँ आता है गाइज नोटोरा कैरेक्टर, आप जानते हो उसकी एबिलिटी, अगर नहीं पता तो आपको बता देता हूँ, बहुत ही ऑसम है। अगर आप नोटोरा लेके गाड़ी में बैठते हो तो हर एक दो सेकंड बाद आपकी हेल्थ बढ़ती रहती है, तीन तीन करके आपकी हेल्थ बढ़ती रहती है और अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ती रहेगी। मतलब अगर आप गाड़ी में बैठे रहोगे तो आपकी हेल्थ बढ़ती ही रहेगी, इसका कोई ऐसा टाइम नहीं है कि दो मिनट बाद हेल्थ नहीं बढ़ेगी या चार मिनट बाद, बस आपकी हेल्थ बढ़ती ही रहेगी। और लास्ट कैरेक्टर जो इस कॉम्बो में आपको यूज़ करना है वो है गाइज मैक्सिम। ठीक है गाइज मैक्सिम और एंड्रयू ये दो कैरेक्टर आपको यूज़ करना है, क्योंकि एंड्रयू से आप जानते हो वेस्ट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, और मैक्सिम से क्या होगा कि जब आप गाड़ी में बैठोगे तो आप स्पीड लिमिट किट्स भी लगा सकोगे। सो ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा। सो गाइज आज का लास्ट कॉम्बिनेशन निकल के आता है रशर्स के लिए। सो ये बहुत ही ऑसम कॉम्बिनेशन है यार, सही में आपको मज़ा आ जाएगा इससे। सो सबसे पहले तो गाइज आपको यूज़ करना है हयातो। अब हयातो का यूज़ ये है कि आप जैसे ही एनिमी को फाइट करोगे तो स्लाइटली डैमेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हयातो की एबिलिटी यही है कि वो वेस्ट में पेनिट्रेशन इंक्रीज़ करता है। सो सामने वाले बंदे को स्लाइटली ज़्यादा डैमेज मिलेगा। दूसरा यार जब आप रश करते हो तो आपकी बहुत बार फाइट होती है, आपकी मैच में तीन चार बार फाइट होगी, ऐसे में आपकी वेस्ट की हेल्थ भी तो कम होगी ना हर मैच के बाद, मतलब हर फाइट के बाद। तो आपको क्या यूज़ करना है इसके साथ शानी कैरेक्टर, उससे क्या होगा जैसे ही आप किल करोगे हर किल के साथ आपकी वेस्ट की हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आपकी वेस्ट पहले से ही मतलब फुल है, उसकी हेल्थ पहले से ही फुल है, तो वो अपग्रेड हो जाएगी। मतलब अगर लेवल 2 की वेस्ट है आप किसी बंदे को किल करते हो तो आपकी वेस्ट लेवल 3 की हो जाएगी। ठीक है गाइज तो ये भी बहुत ही ऑसम कैरेक्टर है, इसको इसके साथ कंबाइन करना है। थर्ड निकल के आता है गाइज मिगुल का, क्योंकि जब आप ज़्यादातर फाइट करते हो तो आपको मेडकिट लगाने का टाइम नहीं मिल पाता है, कभी कभी बहुत बिजी हो जाते हैं फाइट में, तो ऐसे में आपके पास मिगुल होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को किल करोगे तो वो जो ईपी है वो धीरे धीरे आपकी हेल्थ बढ़ाती रहेगी। ये आलोक का भी काम करेगा अगर आपके पास आलोक नहीं है तो। थर्ड आपको यूज़ करना है गाइस मिगुल, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है गाइस कैली, क्योंकि रशर्स का एक ही काम रहता है भाई, अधिकतर भागते रहता है, इधर उधर बंदों को ढूंढने का ही काम रहता है। सो ऐसे में ज़्यादा से जल्दी आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओ, जल्दी आपको स्पीड मिले, जल्दी जल्दी भाग सको पोची लोग से, पीक पीक से फिर बीमा सकती, जल्दी जल्दी जा सको। सो इसीलिए आपको यूज़ करना है लास्ट कैरेक्टर कैली। सो बहुत ही काम का है ये भी। सो ये कॉम्बिनेशन रशर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। सो इस वीडियो में गाइज हमने टोटल 5 कॉम्बिनेशन कवर कर लिए हैं, जो जिसका नेक्स्ट पार्ट होगा मैं उसमें कुछ और कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपको। सो गाइज इस वीडियो में तो यही 5 कॉम्बिनेशन थे, आई होप आपको पसंद आएंगे तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।